जी यीशु बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास है कि ईश्वर की आशीष और कृपाओं से आप सभी अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, मैं आपने मुझे बहुत अधिक प्यार करने वाले माता पिता दिए हैं, उन पर अपनी आशीष सदैव बरसाए रखिए तथा मुझे ऐसी कृपा प्रदान करें ताकि मैं उनकी आज्ञाओं का पालन कर सकूं। आमीन। चलिए, पिछली कक्षा में हमने अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला एक के पार्ट तीन में शुरू किया था और उसमें हमने सुना था और थोड़ा बहुत बताया था मैंने आपको कि हमें हमारे माता पिता बहुत अधिक प्यार करते हैं। वे हमारी देखभाल करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो हमारी मम्मी या हमारी माता हमें नहला धुला कर तैयार करती है, कहीं जाना है हमारी मदद करती है, खाना बनाती है हमारे लिए। हमारे पापा हमारे साथ में क्या करते हैं? पढ़ाई करने में मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं पढ़ने में, सिखाने में, और कभी कभी हमारे साथ में खेलते भी हैं। तो ऐसे मम्मी पापा हमको प्यार करते हैं, इसलिए हमारे साथ समय व्यतीत करते हैं और हमारे साथ में रहते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। वैसे ही प्रभु येसु के भी माता पिता थे। मालूम है आपको उनकी माता का नाम क्या था? मालूम है आपको उनकी प्रभु येसु की माता का नाम मरियम था और उनके पिता यूसुफ थे। कौन थे? यूसुफ। प्रभु येसु की माता का नाम मरियम और उनके पिता का नाम यूसुफ था। वे एक दूसरे की साथ में रहते और उनके साथ में रह के प्रभु येसु ने अपना जीवन व्यतीत किया था। तो आइए आज हम प्रभु येसु के जन्म की एक छोटी सी कहानी आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको सुनाती हूँ। आपने सुनी भी होगी, मैं एक बार आपको और फिर याद दिलाती हूँ, ठीक है? तो नाजरेत नगर में एक लड़की रहती थी जो ईश्वर भक्त थी, है ना? मतलब ईश्वर भक्त यानी वो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करती थी और बहुत अच्छी लड़की थी। और उसका नाम क्या था? मरियम था। कहाँ रहती थी वो? नाजरेत नगर में, ठीक है? और उसकी सगाई यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से हुई थी और उनकी शादी होने से पहले ही, वो सगाई के बाद काफ़ी समय होता है, आपको पता है ना, सगाई के बाद शादी होती है। तो सगाई होने के बाद जब मरियम अपने घर पे थी तब एक बार क्या हुआ, ईश्वर का दूत मरियम को आके प्रणाम किया। कौन था वो दूत? आपको मालूम है उनका नाम? कौन सा दूत था? गब्रियल दूत। कौन था? मरियम को संदेश देने कौन आया? ईश्वर का संदेश देने कौन आया? स्वर्गदूत गब्रियल। तो स्वर्गदूत गब्रियल ने आके माता मरियम को क्या किया? सबसे पहले उसने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम यानी नमस्ते किया, बोलते हैं ना सब, आप किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो। तो स्वर्गदूत ने, किसका दूत था वो? ईश्वर का दूत था। कौन था नाम? गब्रियल। उसने आके मरियम को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उसने उससे क्या बोला? आप ईश्वर की कृपा पात्री है, मतलब आप पर ईश्वर की कृपा है और आप एक पुत्र जन्म, आपके द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा, तो उस पुत्र का नाम आप क्या रखेंगी? येसु। लेकिन मरियम घबरा गई। तो अगर आपको कोई बोले तो आप डर जाओगे ना, तो वैसे ही क्या हुआ, मरियम भी डर गई। लेकिन वो, उसने क्या बोला कि मैं प्रभु की दासी हूँ और जैसा ईश्वर का, प्रभु ईश्वर का कथन है वो मुझ में पूरा हो। जब यूसुफ
को ये चीज़ पता मालूम हुई तो क्या हुआ, वो भी घबरा गया कि अभी तो हमारी शादी नहीं हुई और उससे पहले कैसे बच्चा हो सकता है। तो लेकिन उसके पास भी एक दूत आया है ना, स्वर्ग ईश्वर का दूत यूसुफ़ के पास आया और उसने कहा कि डरिए नहीं, आप मरियम को अपने घर ले के आइए और वो उनको जो बच्चा है वो ईश्वर का पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त बच्चा है। तो इसलिए यूसुफ मरियम को अपने घर ले के आए। लेकिन उसी समय की बात है कि उनके राज्य में जनगणना चल रही थी, मतलब परिवारों की गिनती चल रही थी। तो गिनती में क्या है, जहाँ का आप रहते हो, आपका गांव कहाँ है, जैसे आपके मम्मी पापा का गांव कहाँ है, तो वहाँ आप उनको जाना था। तो वो मरियम और यूसुफ उस समय उस गांव में गए और वहाँ पर क्या किया, जब वो गए तो वहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ थी, तो उनको जगह नहीं थी रहने के लिए। लोगों के अलग अलग घरों में जाके उन्होंने कोशिश करी कि कहीं जगह मिले जहाँ वो बैठ सकें, रह सकें, लेकिन उनको कहीं भी जगह नहीं मिली। अंत में एक किसी व्यक्ति को उन पर दया आई और उसने कहा कि मेरे पास एक जगह है, वो भी एक गौशाला है, मतलब गौशाला यानी जहाँ पर गाय बैल बकरी या भेड़ को रखते हैं, वैसी जगह है, अगर आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। तो अब क्या करते हैं वो दोनों, मरियम और यूसुफ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि मरियम उसका समय निकट आ गया था, प्रभु येसु के जन्म का समय निकट आ गया था, तो इसलिए वे उस गौशाला में रहने को तैयार हो गए और उस गौशाला में ही प्रभु येसु का जन्म हुआ। लेकिन जब प्रभु येसु का जन्म हुआ तो वे कौन थे, आपको मालूम है, मैंने बताया कि वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त पुत्र थे जो मरियम के गर्भ से पैदा हुए थे। तो क्या हुआ, उस टाइम स्वर्गदूतों ने मंगल गान गाया, मंगल गान मतलब जो खुशी से गाने गाते हैं ऐसे मंगल गान गाया, और वहाँ पर जो गडेरिए पहाड़ों पे भेड़ों की रखवाली कर रहे थे तो वो उन्होंने आके प्रभु येसु के दर्शन किए और आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया, और उस चमकते हुए तारे को देखते हुए तीन राजा या तीन ज्योतिषी जो थे वो पूर्व दिशा से उनके दर्शन के लिए इधर आए और उन्होंने प्रभु येसु के दर्शन किए। और जब आप किसी बच्चे को देखने जाते हैं तो उपहार भी देते हैं, तो वैसे ही उन्होंने उपहार के रूप में सोना लोभान और गंधरस उन्हें भेंट किया। और धीरे धीरे प्रभु येसु अपने माता पिता के साथ रहे और धीरे धीरे बढ़ते गए, और वे अपने माता पिता का कहना मानते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके काम में मदद करते थे। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि कैसे प्रभु येसु, पूरी कहानी मैंने आपको लंबी कहानी नहीं बताई, और भी काफ़ी बड़ी कहानी है, लेकिन ये मैंने केवल आपको जन्म तक ही बताया कि कैसे जन्म हुआ और उसके बाद वो आगे बढ़ते गए, अपने माता पिता के प्यार में रहे, साथ में रहे, उनकी आज्ञा माने, उनकी सहायता किए। और इस प्रकार जैसे प्रभु येसु अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, वैसे ही हमें भी अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, या ना कहना मानना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, वो जो कुछ हमको समझाते हैं हमको समझ के उसके अनुसार चलना चाहिए। तो हम कुछ संकल्प लेना चाहिए, क्या संकल्प लेंगे, आपकी बुक में कुछ दिया हुआ है, आप लिखा हुआ है, देखिए, प्रभु येसु अपने माता पिता का कहना मानते थे, क्या करते थे वे, अपने माता पिता का कहना मानते थे, मैं भी अपने माता पिता का कहना मानूंगा। और क्या करना है आपको, आपको अपने माता पिता को प्यार करना है। जीवन आदर्श क्या है आपका, कैसा होना चाहिए जीवन, मैं अपने माता पिता को प्यार करूंगा, मैं उनकी मदद करूंगा, सबको अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए, मैं उनका कहना मानूंगा, मैं उनको खुश रखूंगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, हर समय अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें और सुखी और स्वस्थ रह सकें।
प्रभु ईश्वर मेरे पिता हैं, वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, वे मुझे सब कुछ देते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो आपको मालूम हो गया कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। एक बार और मैं एक साथ पढ़ती हूँ, आप अच्छे से सुनना और ध्यान रखना कि क्या करना है आपको। मैं अपने माता पिता को प्यार करूँगा, मैं उनकी मदद करूँगा, मैं उनका कहना मानूँगा, मैं उनको खुश रखूँगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु ईश्वर मेरे पिता हैं, वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, वे मुझे सब कुछ देते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो आपको भी अपने माता पिता की आज्ञा माननी है, उनका कहना मानना है। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको उनसे क्षमा मांगनी है। अगर कोई गलती से आपने गलती कर दी या जानबूझ के भी की है तो क्षमा मांग के आगे से वो गलती नहीं करना है। तो कोई भी गलती के लिए आपको क्षमा मांगनी है। तो अब मैं आपको इस पुस्तक में जो प्रश्न, खाली जगह और जो भी अभ्यास दिया है वो आपको बताती हूँ। आप इसको अपने, जब मैं आने वाली क्लास में आऊँगी तो आपसे पूछूंगी और आपको इनके उत्तर मुझे देने हैं, ठीक है। इसमें पहले लिखा है खाली जगह को भरिए, मेरे पिताजी का नाम, तो आपको अपने पिताजी का नाम बोलना है, मेरी माताजी का नाम, तो अपनी मम्मी का नाम बोलना है, मेरे पिताजी काय में आपकी सहायता करते हैं, क्या काम करने में, वो लिखना है, मेरी माताजी वो क्या करती हैं, वो लिखना है आपको। और उसके बाद और भी कुछ वाक्यों को पूरा करने को दिया हुआ है, उसको भी आप पूरा करेंगे। उसमें सबसे पहले लिखा है जब मैं सुबह जागूंगा तब कहूंगा, तो आप क्या कहोगे, ये आपको लिखना है। जब माँ मुझे मिठाई देगी तब कहूंगा, क्या क्या कहना है आपको, वो भी लिखना है। यहाँ दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो उनको आपको देख के इनमें लिखना है। जब घर की कोई चीज़ मुझसे टूट जाती है तब कहूँगा, क्या कहोगे, ये आपको लिखना है। जब मुझे पिताजी से पैसे मांगने होंगे तब कहूँगा, शब्दों को ऊपर से छांट के आपको नीचे लिखना है। मैं स्कूल जाने से पहले माता पिता के क्या करेंगे आप, वो भी लिखना है। तो ये अभ्यास जो है आने वाली कक्षा में आपसे मैं पूछूंगी और ये आपको पूरा करना है और बताना है, ठीक है। तो तब तक सभी को जय यीशु। सब लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा मानते रहिए। ओके।